गुजरात जैसे व्यापारिक लोगों का स्थान, फिर भी यहाँ सारे धर्म और सारे त्योहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उनमें भी एक अनोखा त्योहार मकर संक्रांति, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों में अपना स्थान है। पतंगों का त्योहार, जी हाँ, पतंगों के त्योहार को काफी उत्साह से पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन काफी अलग अलग किस्म की पतंगे आसमान में देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, भारत में प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव को मनाया जाता है। आखिर क्या अहमियत है इस त्योहार की और किस तरह से मनाया जाता है ये त्योहार, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत होते ही हमारे त्योहार मनाने का भी आगाज हो जाता है। जनवरी के महीने में 13 तारीख को जहां उत्तर भारत में लोहड़ी मनाने लगते हैं, वहीं उसके अगले दिन यानी 14 तारीख को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भारत में पतंग उड़ाने का रिवाज है। इस दिन को लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इस दिन दान करना काफी अच्छा माना जाता है। दान करने के बाद लोग पतंग उड़ाकर इस दिन का जश्न मनाते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन तिल और गुड़ को भी खाने का रिवाज है। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर ये पतंग या मकर संक्रांति की शुरुआत कहां से हुई? जिस तरह हर चीज के पीछे कोई ना कोई इतिहास जुड़ा होता है, उसी तरह पतंगों को लेकर भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि करीबन 2800 साल पहले पतंग उड़ाने की शुरुआत चीन देश ने शुरू की थी। चीन में पतंग का आविष्कार मोजी और लूबेन नाम के दो व्यक्तियों ने किया था। उस वक्त पतंग का इस्तेमाल बचाव अभियान के लिए एक संदेश के रूप में हवा की तीव्रता और संचार के लिए किया जाता था। लेकिन 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व जिन उद्देश्यों से पतंग का आविष्कार किया गया था, वो उद्देश्य इस वक्त बदल से गए हैं और अब पतंग को केवल मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और इस समय दुनिया के कई देशों में पतंग उड़ाई जाती है। इन देशों की सूची में भारत, अमेरिका, मलेशिया और जर्मनी जैसे देशों का नाम शामिल है। आज हमारे साथ एक शख्स है जो अर्जेंटीना और डेनमार्क से बिलोंग करता है, जो हर साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। माय नेम इज मॉर्टन रास्मुसन, आई एम कमिंग फ्रॉम डेनमार्क। In my private life, I'm an X-ray technician. I repair X-ray system for hospitals. But my great, great passion is kite flying. And my trip here to India is the best trip I ever had this year. We are making our kite ourselves in our little kite team, Fat Boys kite team. And we started flying kites for about 20 years ago. I'm chairman in Danish Kite Association, and for 2 years ago we started traveling around the world to see kite festivals. We have been in Holland, Netherlands, we have been in China, now we are in India, we have been in Germany and also in Denmark, of course. We are traveling with Fat Boys kite team. We are a kite team with a lot of humor, and we are going to fly kites everywhere where we come. Our passion is just to have fun. The only thing we did not grow up because we are still child. So, and the difference between a child and a man is the cost of his kite. In Denmark we have two kite festivals. We have Fanø kite meeting, which is the German guys that is making it. And I'm the chairman of Danish Kite Association. I'm in repairing Wormir Kite Festival.
It's nothing like this, but we have a beach around 7 kilometers long, 2 kilometers wide, and we will be around 1,000 kite flyers. It's first time we are at a kite festival in India, and what we have seen for now, it's a very, very great place to be, and we are very urgent to meet a lot of kite flyers. तो आइए हम जानते हैं फेस्टिवल के बारे में. वहीं हर देश में अलग अलग कारणों के चलते पतंग उत्सव मनाया जाता है. जैसे चिली देश में स्वतंत्रता दिन के दौरान यहाँ के निवासी पतंग उड़ाकर अपना स्वतंत्र दिन मनाते हैं, वहीं जापान में भी पतंगबाजी उनके देवताओं को खुश करने के लिए हर साल मई के महीने में की जाती है. इनके अलावा अमेरिका में जून के महीने में पतंग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें वहाँ के लोग और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. हेलो, वी आर फ्रॉम अर्जेंटीना. आवर टीम इज कॉल्ड कॉन्ट्राविएंटो. वी केम टू दिस फेस्टिवल एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी हैव अ बिग बिग फील्ड टू फ्लाई. सो वी कैन फ्लाई आवर टू लाइन काइट्स एंड वी हैव दिस इनफ स्पेस टू डू आवर रूटीन्स. This kind of kite needs lots of space because they are flying to all sweeping, and it is very hard to fly in other fields, but here in Rashkot we have had it the exactly place. Our team is 5 people. 2 other people are flying other kite. Yes, we fly 5 members, yes, doing choreography in the air. This kind of kites are called sport kites. Two-line sport kites. With the 2 lines, you can maneuver and do this kind of things. So you can command everything in the air. This is for team kite flying. We do choreography in the air. Well, this kind of kite, is flew normally alone, and you can fly in team if you enjoy better in team. In my country, there are 2 teams flying right now, and many people flying alone with this kind of kite. भारत में भी स्वतंत्र दिवस के दिन और मकर संक्रांति के दिन पतंगे आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं. मकर संक्रांति को भारत में अनेक नामों से जाना जाता है. इस त्योहार को कोलकाता में पोष संक्रांति कहकर पुकारते हैं, वहीं तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल कहा जाता है.
okay though. One more thing. And we're just getting started. And produce the best images for our clients. Because our story is your story. My name is Fazal. I am from International Kite Flyers Association, One India Kite Team. We are from Kerala. This is Gujarat is the capital of kite festival, and Rajkot is also very famous in for the kite festival. And we do kite flying everywhere in the world, and we are the 56 person from Kerala. We have big teams and everything. Namaskar. My name is Joe, and this is my team captain, One India Kite Team. And Rajkot is wonderful city and wonderful wind. And we came 53 person, most top team and top unity. And this is Fasal also, good kite experience man. And Mr. Anis also, and Srijit is the big man, kite experience man. This is my captain of Abdullah Maliakal. I'm from Kerala. I'm advocate Srijit Kumar. I'm a stunt kite expert. Here Gujarat, very nice people, and wind is good. Very good experience all of us. Stunt kite flying is a very difficult one in kite field, but so many years we are practicing the stunt kite, because foreigners also come here. Gujarat is very very nice place in kite flying. Our tourism inviting 50 this kite festival, 50 countries were participating here. I'm Manish from Kerala. I am representing Kerala kite team. It's a new experience in Gujarat. I think a lot of people is gathered here. They are very well enjoying very well. I think this is a very very big festival here. Many people, they are very passionately engaged this celebration. It's a good celebration, and this is the symbol of the togetherness and the unity of the humanitarian is seen here. Kai Poche! We are One India Kai team based in New Delhi. The last 10 years, India mein patak udane wale mein bahut zyada log ko training karta hai. Gujarat mein, Delhi mein, Rajasthan mein, hamara team ka all India mein 500 members hai. Gujarat is the capital of kite, and all the kite members, kite lovers love to participate Gujarat Kite Festival, because Gujarat Tourism promoting Kite Festival in Kerala. Bahut zyada samudra ke kinare hai, kinare mein bahut zyada patang udata hai. India ka sabse zyada khoobsurati diamond kite ka hai, traditional diamond kite. लोगों को हर जगह में, हर राज्य में, यूरोप, मलेशिया, चाइना में काइट कटिंग होता है, काइट फाइटिंग होता है. अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा है. दिस टाइम वी हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन काइट फ्लाइंग अराउंड द गुजरात. होपफुली नेक्स्ट ईयर वी विल कम बिगर काइट फ्लाइज टू हियर. और गुजरात में इस त्यौहार को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है. इस त्यौहार को बेशक कई नाम है, मगर इस दिन हर कोई पतंग जरूर उड़ाता है और पवित्र नदियों में स्नान करता है. इतना ही नहीं, पावन त्योहार को गुजरात राज्य में पतंगबाजी का मुकाबला भी रखा जाता है और लोग कई तरह की पतंगें उड़ाने का आनंद लेते हैं. We'll be right back.
Film and video. The world's branded video agency. Let's go. 2019 Showreel. We create content like this. Q-clip. For brands like these. Like these. राज्य हर साल उत्तरायण या मकर संक्रांति के दिन अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का बड़े स्तर पे आयोजन करता है। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए भारत के दूसरे राज्य सहित कई देशों के लोग आते हैं। हेलो सर, मेरा नाम शाबाज खान है और हम उदयपुर राजस्थान से आए हैं। हम 10 साल से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं और ये हमारी टीम है जो लेक सिटी काइट्स क्लब के नाम से, इनका नाम रिजवान है, ये सद्दाम है और ये जुनेद है। हमने तीन थीम बनाई हुई है जिसमें मैसेज है हमारे पास। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ही है, इंडियन कल्चर में बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए और बढ़ाना भी चाहिए। एक साथ ही में जो अभी हिंदुस्तान के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा सभी का रिक्वेस्ट है कि चाहते हैं कि बढ़ाया जाए, हम यही चाहते हैं कि हमारे मैसेज के ज़रिए इस चीज़ को आगाह किया जाए और आगे फॉलो करें सभी मिलकर, तो क्या पता इसके ऊपर अच्छा सा बने और इस चीज़ को रोका जा सके। और काफ़ी तरीके की हमने काइट्स बना रखी है, जैसे कि सेव अर्थ के ऊपर है, हमारे पास लिफ्टर है, 52 फीट का कोबरा है। इस दिन पतंगबाजी का भी मुकाबला रखा जाता है जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग गुजरात राज्य आते हैं। वहीं गुजरात राज्य में इस दिन को लेकर खासा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और कई दिन पहले ही राज्य में कई तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। यहाँ की दुकानों में आपको कई तरह की पतंगे देखने को मिलती है। इस महोत्सव के दिन आसमान पूरी तरह से रंगीन हो जाता है। इस साल भी गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन आरंभ हो गया है। यह महोत्सव 6 जनवरी से शुरू होकर 14 जनवरी तक ही देखा जा सकता है। पतंग के अलावा कई तरह के कार्यक्रम का उद्घाटन भी इस दौरान किया जाएगा। अहमदाबाद के अलावा गुजरात के अन्य शहर जैसे सूरत, गांधीनगर और राजकोट में भी इस त्योहार को लेकर
कई आयोजन किए जाते हैं। गुजरात के अलावा राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। दिल्ली में कई जगहों पर इस दिन के लिए विशेष आयोजन किए जाते हैं, जहां पर कई तरह की पतंगे आपको देखने के लिए मिलेगी। इस दिन को लेकर गुजरात राज्य सरकार द्वारा खासे इंतजाम किए जाते हैं। जैसे इस साल 2020 में 7 जनवरी से 14 जनवरी तक गुजरात में अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया है। जैसे 8 जनवरी को गुजरात के वडोदरा और राजकोट में, वहीं 9 जनवरी को केवड़िया और पोरबंदर में, और फिर 10 जनवरी को सूरत में, 11 जनवरी को सापुतारा और धोरडो, 12 जनवरी को यानी कि आज ही के दिन महसाणा में ये कार्यक्रम चालू हैं, और कल यानी कि 13 जनवरी को ये प्रोग्राम होगा अहमदाबाद और झामकंडोरणा में, और फिर मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को अहमदाबाद में रिवन फ्रंट में इसका भव्य आयोजन किया गया है। भारत जो कि पुराणों और शास्त्रों में मानने वाला देश, फिर भी वैज्ञानिक सोच के साथ इस दिन को मनाया जाता है। वैज्ञानिक तर्क कहे तो हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि के अंदर दाखिल होते हैं। वहीं इस दिन के दौरान से मौसम में भी बदलाव आता है और ठंड थोड़ी कम हो जाती है। किसानों के लिए इस दिन का खास महत्व है। इस दिन के बाद किसान अपने फसलों की कटाई करना शुरू कर देते हैं। पूरे साल में कुल 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन जनवरी के महीने में आने वाली इस संक्रांति को काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की उत्तरायण की गति प्रारंभ करते हैं। उत्तरायण का मतलब सूरज पूर्व से उत्तर की ओर गमन करते हैं, और इस गमन के दौरान सूरज की किरणों को अच्छा माना जाता है। जब सूरज पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है, उनकी किरणों को खराब माना जाता है। सूरज की इसी उत्तरायण गमन के चलते गुजरात में इस त्योहार को उत्तरायण कहा जाता है। पतंग जो कि मनोरंजन के साथ देश में, राज्य में कई लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं, और पतंग बनाने से लेकर पतंग बेचने तक सब लोग उसका फायदा मिलता है। पतंग जो कि बननी शुरू होती है एक छोटे से एकम, और जो बिकते हैं कई बड़े बड़े बाजारों में। न जाने कितने लोग इस रोजगारी को प्राप्त करते हैं। फिर कह लो कि पतंग की कोई बड़ी फैक्ट्री हो या फिर रोड के ऊपर बन रहा मांझे का चरखा।